हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म क्लीन की, जो कि एड्रियन ब्रोडी की एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक गाड़ी आगे बढ़ती हुई नजर आती है और उसमें से क्लीन बाहर आता है। क्लीन आगे बढ़कर शहर में सब जगह से कचरा अपनी गाड़ी में डालता है। क्लीन असल में क्लीनर का काम करता है और फिर वहाँ शहर में सब जगह पर वो कचरा भरते हुए नजर आता है और वो आगे बढ़ता है और वो काफी सारा लोहे का सामान अपने पास रख लेता है और फिर सारा कचरा वो डंप कार्ट में डालकर कचरे की गाड़ी उसकी जगह पर रख देता है और फिर उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वो वहाँ से निकलता है, जिसमें क्लीन को अपनी जिंदगी के काफी सारे सवालों के जवाब चाहिए होता है और वो अपनी जिंदगी से परेशान होता है। और फिर क्लीन घर पर जाते हुए दिखता है, जिसमें वो कंफ्यूज होता है कि वो क्या कर रहा है और इस बारे में उसे कुछ भी नहीं समझता है। और वहाँ शहर में कुछ लोग एक आदमी को मार रहे होते हैं, तब क्लीन उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ता है और फिर वो एक जगह पर रुककर खाना बनाता है और वो खाना असल में वो एक कुत्ते को देता है। और फिर क्लीन जाकर कुछ लोगों से मिलता है, जिसमें सब लोग अपनी जिंदगी की परेशानियां शेयर कर रहे होते हैं और वहाँ एक आदमी बताता है कि ये सब चीजें दिमाग का खेल है। और क्लीन को उसका पास्ट याद आता है, जिसमें वो काफी ज्यादा बुराइयों से भरा हुआ था और वो आदमी उन्हें सब चीजों से आगे बढ़ने कहता है। और फिर क्लीन अपने घर पर पहुंचता है, जिसमें वो काफी अकेला फील करता है और वहाँ अपने गले के वो टैटू देखता है और उसे याद आता है कि वो एक काफी बुरा बाप है। और फिर क्लीन के पास्ट में वो पहले एक किलर हुआ करता था, जिसमें उसने पैसों के लिए काफी सारे लोगों को मारा था और फिर उसने सब चीजें छोड़कर शादी कर ली थी। और वहाँ क्लीन खाना बनाने लगता है और तैयार होने के बाद वो उसे टिफिन में भरता है और फिर वो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस को ठीक करता है और वहां से निकलता है। रास्ते में जिया नाम की एक लड़की से वो मिलता है और वो उसे टिफिन देता है। असल में जिया के माता पिता की मौत हो चुकी होती है और इसी वजह से क्लीन उसकी मदद करता है और जिया उसकी दादी नैनी के साथ रहती है। और फिर वो क्लीन को थैंक्स बोलती है और वो उसे किचन देती है और वहीं पर जिया की बस आती है, तब वो वहां से स्कूल जाने निकलती है और वहां से क्लीन भी निकलता है और वो अपने दोस्त क्लार्क की शॉप पर आता है और वहां आकर वो उसे उसका मशीन दिखाता है, जिसमें वो मशीन ठीक करके उसे देता है और बदले में क्लार्क उसे पैसे देता है। और फिर क्लार्क की शॉप में दूसरे लोग आते हैं, जिसमें उन लोगों को गन्स चाहिए होती है और क्लीन क्लार्क की शॉप में शॉर्ट गन्स को देखता है और उसे उसका पास्ट याद आता है और फिर वो वहां से निकलता है। कुछ देर के बाद क्लीन एक लेडी से मिलकर कलर्स लेता है, जिसमें वो शहर के खाली घरों को पेंट करने का काम भी करता है और वहाँ लेडी उससे पैसे नहीं लेती, क्योंकि वो काफी अच्छा काम कर रहा था। और फिर क्लीन जाकर एक खाली घर के बाहर की दीवार के सड़ने पर पेंट लगाता है और उसे पूरी तरह से बदल देता है, जो कि उसे भी काफी ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन क्लीन घर पर जाने निकलता है और वो देखता है कि जिया के घर के पास जवान लड़के रहने आए हैं और वहाँ जिया आकर टिफिन लेती है और निकल जाती है। और फिर क्लीन उन लड़कों को देखता है और वहाँ उसे उसकी याद आती है, जिसमें वो उसकी बेटी के साथ खेल रहा था। और फिर वो रात को उठ जाता है, जिसमें इन यादों से वो काफी ज्यादा परेशान होता है और क्लीन वहीं पर रोने लगता है, जिसमें उसकी बेटी के साथ वो खेलता था। क्लीन की पत्नी की मौत उसकी बेटी के बर्थ के टाइम पे हो गई थी और उसके बाद क्लीन काफी ज्यादा अकेला था और वो उसकी बेटी के साथ ही रहता था। और फिर से उसने लोगों को मारना और ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और इसी वजह से उन लड़कों को देखकर उसे खुद की याद आती है। अगले दिन क्लीन जाकर हेयर कट करवाता है, जिसमें उसका दोस्त हेनरी उसे काफी बैड एस हेयर कट देता है और वो काफी अच्छा काम कर रहा है ये वो बोलता है और वो जो भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ने कहता है, जिसमें क्लीन भी यही चाहता है ये वो बताता है। दूसरी तरफ जेल के बाहर हमें माइकल नाम का एक आदमी नजर आता है और वहाँ उसका लड़का सैम जेल से निकलता है, तब माइकल खुश होता है। और वहीं पर सैम के दोस्त आते हैं, तब सैम अपने दोस्तों से मिलता है और वहाँ सैम अपने पिता को पसंद नहीं करता और वो अपने दोस्तों के साथ उन्हें देखता है और वहाँ से निकल जाता है। और इस चीज़ से माइकल को काफ़ी ज़्यादा नाराजगी होती है। और फिर शाम को क्लीन अपने काम पर आता है, तब उसे उसका बॉस एक दूसरा रास्ते से जाने कहता है और फिर क्लीन उस मैप को लेकर निकलता है और शहर में आगे बढ़ता है, जिसमें वो मैप को देखता है और सारा कचरा जमा करते करते आगे जाता है और वो एक रोड पर आता है और वहाँ एक फिशिंग शॉप के बाहर काफ़ी सारा माल उतर रहा होता है, जिसमें पास में क्लीन अपना काम करने लग जाता है और वहाँ के आदमी लोग को देखता है, जिसमें उनके पास गन होती है और क्लीन समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और फिर क्लीन को माइकल और सैम उस शॉप के बाहर दिखते हैं और फिर क्लीन वहाँ से अपना कचरा खाली करता है और वहाँ से निकल जाता है। और रात को क्लीन को फिर से काफ़ी डरावने सपने आते हैं, तब वो उठ जाता है और वो अपनी बेटी की तस्वीर को देख रहा होता है। कुछ देर के बाद वो अपनी कार को ठीक कर रहा होता है, जिसमें कुछ तो बार बार खराबी आ जाती है। अगले दिन वो शहर में घूम रहा होता है और वहाँ उसे जिया चलकर घर पर जाते हुए दिखती है और वो बताती
जाती है कि स्कूल बस बंद हो चुकी है। तब क्लीन उसे उसके कार में लेकर जाता है और वहाँ जिया देखती है कि क्लीन ने उसके किचन को कार की चाबी से लगाया है। और फिर क्लीन को वो देखती है और वो अकेला ये बताती है, जिसमें क्लीन बताता है कि पूरे शहर के लोग उसके साथ हैं और वो बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करता। दूसरी तरफ माइकल खाना बना रहा होता है और वहाँ सैम घर पर आता है। तब माइकल उसे टाइम पर आने कहता है और उसे काम होता है ये चीज़ बताता है। और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ वो लोग मछलियाँ तोड़कर उसमें से ड्रग्स निकाल रहे होते हैं और इस बार ड्रग्स थोड़ा सा कम आया होता है, ये चीज़ माइकल का आदमी उसे बताता है। असल में माइकल का असली बिजनेस ड्रग्स का होता है और इस वजह से उसका शहर में काफ़ी ज़्यादा दबदबा भी होता है। और फिर उन लोगों को ड्रग्स लाने वाले चाइनीज ड्राइवर पर गुस्सा आता है और वहाँ माइकल आकर सैम को पकड़ता है और वो बताता है कि उसके दादाजी ने कहा था कि जब छोटी छोटी गलतियाँ शुरू हो जाए तब समझ लेना कि तुम फेल हो रहे हो, और तब सैम हाँ बोलता है। दूसरी तरफ क्लीन उसे मिले हुए लोहे में से एक साइकिल बनाता है और जिया के घर के बाहर उसे छोड़ देता है और वो उसे गिफ्ट दे रहा है ये उसने लिखा होता है। और वहाँ नैनी उसे देख लेती है और वो बोलती है कि वो उसकी बेटी नहीं है, जिसमें क्लीन बताता है कि ये चीज़ें वो खुद के लिए कर रहा है। और पास में से क्लीन को झगड़े की आवाज़ आती है और वहाँ नैनी बताती है कि दुनिया अब बदल रही है। और फिर क्लीन वहाँ से निकलता है और वह हेनरी से आकर मिलता है और वो उसे बताता है कि उसने उसकी बेटी को भी ऐसी एक साइकिल गिफ्ट देते हैं। तब वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे और जिया भी उसे उसकी बेटी की याद दिलाती है और वहाँ हेनरी खुश होता है। और फिर क्लीन को उसकी बेटी के बारे में दूसरी चीज़ें याद आती है जिसमें वो उसकी तरह बनना चाहते थे। और फिर वो दुखी होता है और वहाँ हेनरी उसे संभालता है और उसने जिया के साथ अच्छा किया ये वो बोलता है। दूसरी तरफ माइकल एक चर्च में दिखता है और वहाँ पादरी बताता है कि जीसस सबका भला करते हैं। और वहाँ माइकल के घर पर सब लोग ड्रग्स बनाकर शहर में बेचने का काम करते हैं और वो लोग काफी सारे पैसे इस चीज से जमा कर लेते हैं। और सैम सारे पैसों को जमा करने का काम करता है और माइकल इसी वजह से काफी ज्यादा रईस होता है और वो जीजस पर भी काफी सारे पैसे लगाता है। कुछ देर के बाद वो चर्च से निकलता है और माइकल की शॉप पर नया माल आया होता है और वो चाइनीज लोग लाए होते हैं। और वहाँ माइकल सैम को बुलाता है और माइकल मछलियों को देखता है जिसमें उसमें कुछ नहीं होता। और वहाँ वो जैपनीज आदमी के पास आता है और उसे मार देता है और फिर वो उसके लोगों को पकड़ लेते हैं और माइकल को वो उसके बॉस को मारते हुए दिखाते हैं, जिसमें सैम भी डर जाता है। और वहाँ माइकल बोलता है कि धोखा देने वालों को वो कभी भी छोड़ नहीं सकता। और फिर वो सैम को देखता है और ये चीज़ उसे याद रखने कहता है, साथ ही वो सब चीज़ें साफ करने कहता है। और फिर रात को क्लीन शहर में से सारा कचरा जमा करते हुए आगे बढ़ता है और वो माइकल के रेस्टोरेंट के पास आता है और वहाँ से वो अपना कचरा लेता है, जिसमें उसे कचरे में खून से भरे हुए बॉक्सेस दिखते हैं। तब वो फिश शॉप को देखता है और वहीं पर माइकल भी आ जाता है और वो क्लीन को बोलता है कि उन लोगों से थोड़ी ज़्यादा गंदगी हो गई है। और वहाँ क्लीन बताता है कि उसे इस चीज़ की आदत है। और फिर माइकल उसे चुप रहने के लिए पैसे ऑफर करता है और तब क्लीन बिना पैसे लिए वहाँ से निकलता है और वहाँ उसकी गाड़ी में से आवाज़ आती है। तब वो साइड में आकर उसे देखता है और फिर वो इंजन को देखता है जिसमें कुछ गड़बड़ हुई होती है और वो उसे ठीक करने जाता है। और वहाँ से वो कार के नीचे देखता है और वहाँ कुछ लड़के भागते हुए नजर आते हैं। तब क्लीन को दूसरी तरफ से आवाज़ आती है जिसमें काफ़ी सारे गुंडे एक आदमी को मार रहे होते हैं। तब क्लीन वहाँ पर आता है और वहाँ उन गुंडों को देखता है। तब उनमें से क्लीन को देखता है और उसे वहाँ से निकलने कहता है, जिसमें क्लीन वहाँ से आगे नहीं जाता। तब एक गुंडा पीछे से आकर क्लीन के सर पर वार करके उसे घायल कर देता है। अगले दिन क्लीन एक हॉस्पिटल में होता है और वहाँ उसका दिमाग स्कैन किया जाता है और फिर वो बेहोश होता है और उसे याद आता है कि एक बार वो ड्रग्स ले रहा था और उसकी बेटी ने उसे देख लिया था। और फिर क्लीन उठ जाता है, जिसमें वो डॉक्टर के पास होता है और वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि वो ठीक है लेकिन उसे दवाई लेनी होगी। और वहाँ क्लीन दवाई लेने से मना कर देता है और वहाँ डॉक्टर बताता है कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तब क्लीन वहाँ से निकल जाता है और फिर वो काम पर आते हैं, जिसमें उसका बॉस उसे कुछ दिनों के लिए आराम करने कहता है। और फिर क्लीन आकर ये चीज़ अपने दोस्त हेनरी को बताता है और वो अब क्या करेगा इस बारे में सोचता है। तब हेनरी उसे थोड़े दिन शांति से घूमने कहता है और फिर क्लीन जिया के घर के पास आता है और वहाँ जिया उसे बाहर अकेली दिखती है। तब वो बताती है कि उसकी दादी बाहर गई है और उसी के पास चाबी है। तब क्लीन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, जिसमें जिया हाँ बोलती है। और फिर दोनों उसके घर पर आते हैं और वहाँ जिया खाना खाती है और वो बोलती है कि क्लीन थोड़ा सा बीमार लग रहा है, जिसमें क्लीन वो ठीक है ये बताता है। और वो उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है, जिसमें जिया को पढ़ना खास पसंद नहीं होता। तब क्लीन बताता है कि उसे ठीक से पढ़ना भी नहीं आता और वो जिया को इस वजह से पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने कहता है। और फिर जिया उसके घर में घूमती है और वहाँ उसे एक बक्सा दिखता है। तब वो उसे खुलने जाती है और वहीं पर क्लीन आकर चिल्लाकर उसे मना कर देता है। तब जिया डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद क्लीन एक मशीन को ठीक कर रहा होता है। दूसरी तरफ माइकल के घर पर खाना बनता है और वो मैच देख रहा होता है। तब वो सैम को भी मैच देखने कहता है,
लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। तब माइकल भड़क जाता है और उसके दोस्त उसे उसके साथ इसलिए रखते हैं क्योंकि माइकल एक किंग है, ये वो बताता है। और तब सैम भड़क जाता है और चाकू लेता है और वहाँ माइकल उसे मारने कहता है। तब सैम वहाँ से निकल जाता है और इस चीज़ से माइकल काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ होता है। दूसरे दिन क्लीन जिया के घर के पास आता है और वहाँ जिया उसे पड़ोस के गुंडे लड़कों के साथ दिखती है। तब वो उसे नैनी के पास जाने कहता है और वहाँ लड़के उसे निकलने कहते हैं। तब जिया भी वहाँ से निकलती है और वहाँ से क्लीन भी निकल जाता है। और फिर क्लीन नया सामान लेकर क्लार्क के पास आता है जिसमें वो नए मशीन्स को देखता है और उसमें थोड़ा सा कम बाकी है ये क्लार्क पता लगा लेता है। तब क्लीन उसे देखता है। कुछ देर के बाद वो अपने क्लब में आता है और वहाँ एक आदमी बताता है कि इंसानों के अंदर ही एक जानवर होता है और वो काफ़ी बुरा होता है और वही सभी बुरे कामों को करवाता है और इस वजह से उन्हें दुख होता है। और उनकी बातें क्लीन भी काफ़ी ध्यान से सुनता है। और फिर क्लब के बाहर वो आदमी आकर क्लीन से मिलता है और वो पहले क्लीन को भी कभी मिला ये चीज़ बताता है जिसमें क्लीन को ये चीज़ याद नहीं होती और वो वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ माइकल आकर कन्फेशन करता है जिसमें वो अपने बेटे के लिए परेशान होता है और वो गलत राह पर जा रहा है ये वो बताता है, जिसमें पादरी बताते हैं कि हर बाप अपने बच्चों को सुधारना चाहता है और उसका बच्चा भी एक ना एक दिन जरूर सुधर जाएगा। और फिर क्लीन हमें नजर आता है जो कि एक घर के बाहर सब चीज़ें ठीक कर रहा होता है और वहीं पर उसके हाथ में लग जाता है और वहाँ उस खाली घर में उसे एक बच्चा दिखता है। तब वो अंदर जाता है और वहाँ से ऊपर आता है जिसमें घर में कोई नहीं होता। और फिर क्लीन आगे बढ़ता है और ऊपर से एक बॉक्स दिखता है। तब क्लीन उसे खोलता है और उसमें से उसे एक हथियार मिलता है जो कि उसने पहले भी यूज़ किया था। और फिर क्लीन घर की तरफ आता है जिसमें उसके साथ वो बॉक्स भी होता है और वो आगे बढ़ता है और वो जिया के घर के पास आता है जिसमें जिया की साइकिल उसे उन गुंडे लड़कों के घर के बाहर दिखती है। और घर के अंदर सब लड़के पार्टी कर रहे होते हैं और वहाँ जिया भी नशे में होती है और नशे की हालत में वो आगे बढ़ती है और वहाँ उसे लड़के रोकते हैं और उसका वीडियो निकालते हैं जिसमें वो लोग एक जगह पर फ़ोन रखते हैं और इस चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और जिया के पास आकर वो लोग उसे छेड़ने लगते हैं और फिर बाहर से क्लीन आता है और दरवाजे से वो अंदर देखता है जिसमें उसे जिया दिख जाती है। तब वो उस दरवाजे वाले लड़के को मारता है और अंदर घुस जाता है और वहाँ आकर वो सब लड़कों के मुँह पर वार करता है और उन्हें मार मार कर आगे बढ़ता है और आखिर में एक लड़के को वो मारकर उसका मुँह तोड़ देता है। और फिर वो उसे जिया देखती है और वहाँ क्लीन देखता है कि उसने अंत में मारा था वो लड़का असल में सैम था। तब दोनों डर जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं और ये सभी चीज़ें फ़ोन में रिकॉर्डिंग हो चुकी होती हैं। और फिर क्लीन जाकर नैनी के पास आता है और नैनी जिया को संभालती है। अगले दिन डॉक्टर आकर सैम को देखता है और वो माइकल को बताता है कि वो ठीक हो जाएगा लेकिन उन्हें डॉक्टर को दिखाना होगा और उसको सर्जरी की खास ज़रूरत है। तब माइकल उठता है और वो बोलता है कि वो सैम को ऐसे ही रहने दो जिससे उसे ये सब चीज़ें याद रहे। और फिर माइकल अपने आदमियों के साथ वीडियो देखता है और उसका आदमी बताता है कि क्लीन कचरा साफ करने वाला है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। साथ ही वो जिया का ध्यान भी रखता है और ये चीज़ उन्हें पता होती है। और वहाँ माइकल जिया और उसकी दादी दोनों को मार देने कहता है जिससे क्लीन को एक सबक मिले। दूसरी तरफ क्लीन नैनी और जिया को लेकर शहर से निकल जाता है और वो बोलता है कि ये चीज़ उनकी गलती नहीं है और वो दोनों को आराम करने कहता है जिसमें उसके पीछे से एक पुलिस की गाड़ी आती है। तब वहाँ क्लीन गाड़ी साइड में लगा देता है और वो पुलिस वाला फ़ोन पर बात करने लगता है। तब क्लीन समझ जाता है कि वो माइकल से मिला हुआ है। तब वो गाड़ी वहाँ से भगाता है और आगे बढ़ता है जिसमें पुलिस वाला उसके पीछे ही होता है। और क्लीन काफ़ी तेज़ी से आगे आ जाता है और वहाँ से एक साइड में छुप जाता है जिसमें वहाँ पुलिस वाले की कार आगे निकल जाती है और क्लीन बताता है कि अब उसे कार बदलने पड़ेगी। दूसरी तरफ माइकल के पास उसका आदमी आता है और वो बोलता है कि वो लोग क्लीन को पकड़ने ही वाले थे लेकिन वो भाग गया। और फिर क्लीन एक होटल के पास आकर अपनी गाड़ी को छुपाता है और वहाँ नैनी और जिया को बाथरूम जाना है ये दोनों बोलते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और फिर क्लीन गाड़ी में से चावी के किचन को लेता है और वहाँ से निकलता है और अंदर जिया और नैनी आगे बढ़ते हैं और बाथरूम में घुसते हैं। और बाहर क्लीन सभी गाड़ियाँ देखता है और एक स्क्रू ड्राइवर से एक का दरवाज़ा खोल देता है और बाहर गुंडों की गाड़ी आती है और वो लोग क्लीन की गाड़ी को देख लेते हैं। तब वो लोग उसकी गाड़ी के पास आते हैं और अंदर क्लीन ने गाड़ी को शुरू कर दिया होता है और गुंडे बाहर निकलते हैं। और फिर होटल में जिया और नैनी निकल रहे होते हैं और वहाँ गुंडे अंदर घुसते हैं। तब दोनों उनके सामने आ जाते हैं और वहाँ से दोनों स्टोर रूम की ओर भागते हैं जिसमें गुंडे भी उनके पीछे होते हैं। और बाहर क्लीन गुंडों की गाड़ी को देख लेता है और उनका ड्राइवर बाहर आता है। तब वहीं पर क्लीन आकर उसे मार देता है और फिर वो उसका स्क्रू ड्राइवर फेंक कर उसका हथियार लेता है। और फिर स्टोर रूम में गुंडे अंदर घुसते हैं और वहाँ नैनी और जिया बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिलता और गुंडे सब जगह पर देख देख कर आगे बढ़ते हैं। और पीछे से क्लीन आता है और वो सबको मारने लगता है और एक एक करके वो सबको मार देता है जिस
जिसमें वो काफ़ी बहरे में से सबको मारता है। कुछ देर के बाद अंदर जिया और नैनी डरे हुए होते हैं और वहाँ क्लीन आ जाता है और वो लोग अब बाहर जाएंगे ये बोलते हैं। और फिर क्लीन को याद आता है कि वो अपने घर पर कई सालों पहले गया था और वो अपना सामान देख रहा था जिसमें उसके पास काफ़ी सारी गन्स और पैसे थे, और वहाँ उसे उसका ड्रग्स नहीं दिखता। तब वो डर जाता है और वो अपनी बेटी को ढूंढने निकलता है और वो ऊपर आकर देखते हैं जिसमें उसकी बेटी ने ड्रग्स ले लिया होता है और ओवरडोज के चलते वो मारी गई थी। और इसी चीज़ से क्लीन काफ़ी ज़्यादा रोता है और वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगता है और तब से उसने अपनी ज़िंदगी को फिर से बदल ली थी और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। और फिर प्रेजेंट में तीनों एक होटल में होते हैं और वहाँ आगे उन्हें क्या करना है इस बारे में सोचते हैं, और वहाँ नैनी बताती है कि वो लोग अभी घर नहीं जा पाएंगे और इस चीज़ के लिए सिर्फ क्लीन ही जिम्मेदार है और क्लीन सभी चीज़ें ठीक कर देगा ये बोलता है और वहाँ से निकलने जाता है। और तब जिया उसे वापस आएगा कि नहीं ये पूछती है, जिसमें क्लीन वापस ज़रूर आएगा ये वादा करता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर से वो अपने शहर में आता है और अपने स्टोर रूम में आता है और वो अपना बॉक्स खोलता है जिसमें उसकी बेटी का खिलौना होता है और उसके नीचे काफ़ी सारे पैसे और हथियार होते हैं। और फिर क्लीन क्लार्क के शॉप में आता है और इस बार वो वहाँ पर खरीदी करने आया है ये बोलता है, और वहाँ क्लार्क उसे क्या चाहिए ये पूछता है, जिसमें क्लीन उससे शॉटगन मांगता है और वहाँ क्लार्क उसे एक काफ़ी खतरनाक गन देता है। और वहाँ से क्लीन को एक फ्लेयर गन चाहिए ये भी वो लेता है और वहाँ से निकलता है। और फिर क्लीन जंकयार्ड में आता है और वहाँ काफ़ी सारा सामान जमा करता है और फिर वो एक शॉप से भी सामान लेता है और उसने पहले तैयार की हुई एक डिज़ाइन निकालता है। दूसरी तरफ माइकल को फ़ोन आता है, तब क्लीन उसे बताता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा और उसे उसके घर पर वो तैयार रहने कहता है। और फिर क्लीन अपना सारा सामान इकट्ठा करता है और शॉटगन को काट देता है और उसे दूसरी तरफ से जोड़कर वो उसे अपग्रेड करता है और उसे छोटा और ख़तरनाक बना देता है। और फिर वो उसमें साइलेंसर भी लगाता है और क्लीन एक जगह पर आकर अपना टी शर्ट निकालता है और फिर वो एक जैकेट पहनता है जिससे वो बुलेट्स से बच सके, और अपने हाथ में वो एक चाकू बांध देता है। और फिर वो हुडी पहनता है और सिगरेट पीने लगता है और फिर वो सारा सामान गाड़ी में भरता है और वहाँ उसका कुत्ता आता है, तब क्लीन उसे बाय बोलकर निकलता है। दूसरी तरफ माइकल की बीवी घर पर होती है और वहाँ क्लीन सैम के पास आता है और वो उसका बदला लेगा ये बोलता है, और वहाँ माइकल की पत्नी सैम के लिए दुखी होती है क्योंकि माइकल सैम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरतता है ये चीज़ उसे पता होती है। और फिर माइकल नीचे आता है और वहाँ माइकल के साथ काफ़ी सारे दूसरे लोग भी होते हैं और क्लीन आगे बढ़ता है और वो अपना कचरे की एक गाड़ी में सारा सामान डालता है। कुछ देर के बाद वो माइकल के घर के बाहर होता है और वहाँ पर वो एक जगह पर बॉम्ब लगाता है और फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें उसने बाहर के सभी लोगों को मार दिया होता है। और फिर क्लीन गाड़ी में बैठता है और वो उसमें अपनी बेटी की तस्वीर उसके साथ देखकर उसे याद करता है। और घर के अंदर सब लोग ड्रिंक करके क्लीन को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं और बाहर से क्लीन गाड़ी लेकर घर के पास आता है और वो दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। और फिर वो अपनी गन लेता है और बाहर बॉम्ब फटता है, तब वहाँ की सारी लाइट चली जाती है और तब सब गाड़ी पर गोलियां चलाते हैं और वहाँ से क्लीन अंदर घुस चुका होता है और वो एक आदमी को मार देता है। और फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें उसकी शॉटगन से वो एक एक करके सब लोगों को मारता है और फिर ऊपर की तरफ आता है जिसमें दो आदमी उस पर हमला करते हैं और वहाँ क्लीन उन्हें मारते मारते आगे बढ़ता है और वहाँ एक आदमी उसे पकड़ लेता है जिसमें क्लीन उसे दूर करके उड़ा देता है। और फिर ऊपर एक रूम में की तरफ वो आगे बढ़ता है और वहाँ एक आदमी आता है, तब क्लीन उसे अपने चाकू से मार देता है और ऊपर आने वाले सभी लोगों से वो चाकू से लड़ता है और अपने पिस्तौल से उन्हें मार देता है। और वहाँ एक आदमी आता है और वो क्लीन को धोने लगता है और क्लीन उसे पकड़कर उसके मुंह में फ्लेयर गन की गोली मारता है जिसमें वो वहीं पर मुंह जलने से मारा जाता है। और फिर क्लीन को माइकल की पत्नी उसका रूम दिखाती है, तब क्लीन उस तरफ आगे बढ़ता है और वो उसके रूम में आता है और वहाँ क्लीन को एक शॉटगन दिखती है, तब वो उसे लेने जाता है और वहीं पर माइकल उस पर हमला करता है। और वो आगे बढ़ता है, तब क्लीन उसके पास आता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं जिसमें माइकल क्लीन को धो देता है और क्लीन के हाथ में हथियार आता है, तब माइकल उसे भी लेकर उसे मारता है। और वहाँ क्लीन को उसकी बेटी याद आती है और वहाँ उसे जिया का किचन भी दिखता है और फिर माइकल को वो मारकर गिरा देता है और उसके किचन से माइकल का गला दबाकर क्लीन उसे मारने लगता है। और वहीं पर कमरे में सैम आता है, तब माइकल खुश होता है और वहाँ सैम माइकल को गोली मारता है और फिर वो सारी गोलियां उसमें उतार देता है जिसमें वो वहीं पर मारा जाता है। और फिर सैम क्लीन को मारने जाता है लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं, तब वो वहाँ पर बैठ जाता है और क्लीन उसे देखता है और क्लीन वहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों के बाद माइकल बताता है कि वक्त हर गाँव को ठीक कर देता है और वो अब बदल चुका है। और वहाँ हमें जिया दिखती है जो कि आगे बढ़ती है और वहाँ उसे क्लीन की कचरे की गाड़ी आती हुई दिखती है, तब वो खुश होती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इस तरह के एंड से फिल्म का सेकंड पार्ट जरूर आएगा ऐसा मुझे लगता है। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।